मैं नहीं तो स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस शो आपके शहर में। सिंगू बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन स्थल पर कटे हुए हाथ के साथ मृत मिले पंजाब निवासी लखबीर सिंह के परिवार ने कहा है कि वह नशे का आदी था और उसे लालच देकर वहां ले जाया गया। लखबीर सिंह के परिवार ने मामले में जांच और न्याय की मांग की है। लखबीर सिंह के ससुर ने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, वह नशा करता था और उसे लालच देकर वहां ले जाया गया। गौरतलब है कि हरियाणा में सोनीपत जिले के कुंडली में किसानों के प्रदर्शन स्थल के पास शुक्रवार को एक व्यक्ति का शव धातु के एक अवरोधक से बंधा हुआ मिला। शव का एक हाथ कटा हुआ था। इस नरशंस हत्या के घंटों बाद सिखों की निहंग परंपरा के तहत नीले लिबास में एक व्यक्ति मीडिया के समक्ष आया और दावा किया कि उसने पीड़ित को पवित्र ग्रंथ की बेदबी करने की सजा दी है। बाद में सर्वजीत नाम के इस शख्स ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। जानकारी के मुताबिक लखबीर सिंह एक मजदूर के रूप में काम करता था। उनकी बहन ने मीडिया को बताया कि वह 50 रुपए लेकर काम पर जाने की बात कही थी। बकौल पीड़ित की बहन, उसने 50 रुपए लिए और कहा कि वह चबला में काम करने जा रहा है और 7 दिनों के बाद वापस आ जाएगा। मुझे लगा कि वह वहां काम करने गया है, वह ऐसा व्यक्ति नहीं था। दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने किसान नेताओं को निशाने पर लिया है, साथ ही कहा कि इन प्रदर्शनों के पीछे के अराजकतावादियों को बेनकाब करने की जरूरत है, क्योंकि वे देश का बड़ा नुकसान कर रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने बयान जारी कर कहा कि सिंघू बॉर्डर पर एक निर्दोष व्यक्ति की नरशंस हत्या ने स्पष्ट रूप से साबित किया है कि आपराधिक लोगों ने किसान आंदोलन को पीछे छोड़ दिया है। चुग ने कहा कि किसानों द्वारा विरोध स्थल पर किसी भी तरह का अपराध एक खतरनाक संकेत है और नरशंस हत्या ने संकेत दिया कि आंदोलन के इरादे से सब ठीक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, CFI समाचार। छत्तीसगढ़ के रायपुर रेलवे स्टेशन में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की विशेष रेलगाड़ी में विस्फोट हो गया। इस घटना में 4 जवान घायल हो गए हैं। घायलों में से एक की हालत गंभीर है। रायपुर जिले के पुलिस अधिकारियों ने शनिवार को यहां बताया कि रायपुर रेलवे स्टेशन में सुबह झारसुगुड़ा से जम्मू तवी जा रही विशेष रेलगाड़ी में सामान रखने के दौरान विस्फोट हो गया। इस घटना में 4 जवान घायल हो गए हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सुबह 6:30 बजे झारसुगुड़ा से जम्मू तवी जा रही CRPF की विशेष रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी थी। इसमें CRPF की 3 कंपनियों को भेजा जा रहा था। जब रेलगाड़ी में सामान रखा जा रहा था तब बोगी नंबर 9 के करीब एक कंटेनर में विस्फोट हो गया। पुलिस के मुताबिक इस घटना में हवलदार चौहान विकास लक्ष्मण समेत 4 जवान घायल हो गए। जानकारी मिलने पर पुलिस दल घटनास्थल पहुंचा। घायल जवान लक्ष्मण को शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मामूली रूप से घायल 3 अन्य जवानों को प्राथमिक उपचार दिया गया। रेलगाड़ी रायपुर रेलवे स्टेशन से रवाना हो चुकी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में स्टेशन में मौजूद अन्य किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा है। रिपोर्ट के मुताबिक विस्फोट में घायल हुए CRPF के जवानों में चवन विकास लक्ष्मण, रमेश लाल, रविंद्र कर, सुशील और दिनेश कुमार पैकरा हैं। इनमें से एक जवान विकास को गंभीर चोट आई है, जिसे इलाज के लिए श्री नारायणा अस्पताल देवेंद्र नगर में भर्ती कराया गया है। बाकी घायलों को प्राथमिक उपचार दिया गया, जिसके बाद उनकी हालत ठीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, CFI समाचार। जी हाँ, आज के लिए बस इतना ही। रुकते हैं, कल फिर मिलते हैं सेम टाइम सेम प्रोग्राम सेम चैनल में। तब तक के लिए हमारे चैनल CFI समाचार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।